आप देख रहे हैं एमपीसीजी एक्सप्रेस न्यूज। अगर आप हमारी खबरें यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें और फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो लाइक करें। थाना प्रभारी ने आदिवासी बस्तियों में जाकर वैक्सीनेशन के लिए लोगों को किया जागरूक, बच्चों में बांटे चिप्स बिस्कुट। थाना प्रभारी जगतपाल सिंह ने दलबल के साथ थाना क्षेत्र अंतर्गत धनुआ, महाराजगंज व बड़ा मलहरा की आदिवासी बस्ती में जाकर बच्चों को चिप्स बिस्कुट वितरित कर उनके अभिभावकों को कोविड वैक्सीन लगवाने के लिए प्रेरित किया। जानकारी के मुताबिक सागर रेंज के आईजी अनिल शर्मा, डीआईजी विवेक राज सिंह व पुलिस अधीक्षक सचिन शर्मा के निर्देशन में तथा एसडीओपी आरआर साहू के मार्गदर्शन में कोरोना महामारी से आम जनमानस के बचाव हेतु एवं कोरोना किलनेल व हमाओगांव हमारी जिम्मेदारी के तहत थाना प्रभारी जगतपाल सिंह ने सहायक उप निरीक्षक उमा प्रसाद लटोरिया, आरक्षक सत्येंद्र कुमार, महिला आरक्षक प्रीति। आज बीच में आपके हम इसलिए आए हैं कि आपके बच्चे लॉकडाउन की वजह से लगातार घर में रहे होंगे, घर से आप बाजार नहीं जा पा रहे, कहीं नहीं जा पा रहे, पर आज खुल गया है बाजार, तो आप लोगों बाजार में जाना है तो क्या करना है, मास्क लगा के जाना है, फालतू बिल्कुल नहीं जाना है, क्योंकि बाजार में कोरोना फैला हुआ है, आप लोगों को फैल जाएगा, उससे बच्चे परेशान होंगे, तो हमें बच्चों के साथ में परेशानी पैदा नहीं करना है। वैक्सीनेशन आपके यहाँ हुआ कि नहीं हुआ, वैक्सीन लगवाई आपने कोरोना की, किसी ने कितने लगवाई बताओ, इंजेक्शन लगे, इंजेक्शन कोरोना की वैक्सीन किसी ने लगवाई, किसी को लगी, किसी को कैद आदमी को, अभी सुनो, कोरोना की वैक्सीन जिसको लगी हो वो अपना अनुभव सब में बांटेगा, उससे कुछ नहीं होता है, हमें दोनों वैक्सीन लग चुकी हैं, ठीक है, आपके सामने बड़े अस्वस्थ खड़े हुए हैं। वैक्सीन के बारे में जो भी भ्रम फैलाया जा रहा है कि उससे कुछ गड़बड़ हो जाता है, कुछ नहीं होता उससे, आप लोग वैक्सीन लगवा लोगे तो कोरोना आपको नहीं होगा, कोरोना आपको नहीं होगा, तो वैक्सीनेशन सबका कराना है, गाँव में वो आते हैं आशा कार्यकर्ता आते हैं वैक्सीन लेके, तो आप लोग वैक्सीन लगवाएंगे।